बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 सितंबर 2021 मंगल का दिन था, वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी, सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पेआउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। मार्केट जो है वो एक बार फिर 47,000 के लेवल को मेंटेन नहीं रख पाई, उसके नीचे जो है वो क्लोज हुई है। 380 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 46,891 के लेवल पे सेटल हुआ है, 0.80% का डिक्लाइन था। सुबह अपना जो हाई लगा था वो 47,387 का लगा था, 116 पॉइंट्स का गेन था 0.25%, लेकिन वहाँ इंडेक्स सस्टेन नहीं रह पाया। 46,600 का जो है वो लो लगा है, 663 पॉइंट्स का डिक्लाइन था इंट्राडे में 1.40%, एंड पे जो है वो 200 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ जो है वो मार्केट क्लोज हुई है 46,891 के लेवल पे। वॉल्यूम में भी इजाफा देखा गया है, 199 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। KSE 100 इंडेक्स में 5 डे के जो एवरेज वॉल्यूम है वो 147 मिलियन शेयर्स का है। ओवरऑल 19 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे, KSE 100 इंडेक्स के 73 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो तीन बड़े सेक्टर सीमेंट्स, रिफाइनरी और ऑयल ने जो है वो आज इंडेक्स को डिप्रेस किए रखा है। सीमेंट्स की तरफ से 96 पॉइंट लूज हुए, रिफाइनरी सेक्टर ने 51 पॉइंट्स निकाले, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 45, टेक्नोलॉजी ने 38, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 28 पॉइंट लूज किए, फूड सेक्टर ने 26, इंजीनियरिंग 16, केमिकल 15 और ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 15, जबकि फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल कंपोजिट ने 13 पॉइंट लूज किए। फ्लिप साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 15 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। कंपनीज की बात करें तो HPL और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं, 36 पॉइंट्स HPL ने, जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 22, फौजी फर्टिलाइजर ने 9 और डॉलमन सिटी की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। लकी सीमेंट ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं, 43 पॉइंट्स, उसके बाद TRG पाकिस्तान था 24 पॉइंट्स के साथ, OGDCL ने 23, DG खान सीमेंट ने 19, बाइको पेट्रोलियम ने 17, ATRL ने 17, नेशनल रिफाइनरी ने 16 पॉइंट्स लूज किए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स 14, नेस्ले पाकिस्तान 13, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 13 पॉइंट्स निकाले, PSO ने 12, जबकि सिस्टम लिमिटेड ने 11 और UBL की तरफ से भी 10 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर ही टॉप पे था, 6.73% का डिक्लाइन देखा गया है सेक्टर में। वुलन सेक्टर 4.63% डाउन थे, विनाशपति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 3.41% डाउन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2.5%, इंजीनियरिंग सेक्टर 2.54, सीमेंट्स 1.94% डाउन थे, फूड सेक्टर 1.8%, सिंथेटिक्स एंड रियान 1.78, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.74, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी 1.50% डाउन साइड पे थे। फ्लिप साइड की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 4% प्लस था, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.56% प्लस, मुदारबाज 0.45, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर भी 0.18% पॉजिटिव साइड पे था। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम था, 71 मिलियंस का वॉल्यूम है, 7.25% डाउन था। टेलीकार्ड में 51 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2% जो है वो अपसाइड पे गया। WTL 3% डाउन था, 25 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। एसगैट 9 में 22 मिलियंस 0.17% डाउन। हम नेटवर्क में 22 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.3% अपसाइड पे था। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के जो LOR थे वो 13% डाउन थे, 21 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था। TPL प्रॉपर्टीज में भी 19 मिलियंस का काम हुआ है, 1% जो है वो डाउन साइड पे था। यूसुफ वीविंग 12.6% अपसाइड पे गया, 11 मिलियंस का वॉल्यूम था इसमें। TPL कॉरपोरेशन में भी 11 मिलियंस का काम हुआ है, 0.61% प्लस था, जबकि के इलेक्ट्रिक 3.8% आज डाउन था। और वॉल्यूम की इसमें बात करें तो 11 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है।
आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे यूसुफ वीविंग है 12.6% प्लस था, संबा बैंक 12.5% प्लस, बीएफ मुदारबा 8.84%, अलाइड रेंटल मुदारबा 7.59, बर्जर पेंट 7.50%, बिको स्टील 7.47, एनपीएल 7.46% प्लस थे, एनआरएसएल 6%, क्विनूर स्पिनिंग मिल 5.69 और डीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी 5.49% आउटसाइड पे गई। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के एलओआर थे 13% जो है वो डाउन थे, हुसैन शुगर मिल्स के एलओआर भी 10.7% डाउन पे गए, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा 9.41% डाउन था, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 7.82%, थट्टा सीमेंट्स भी 7.48% डाउन था, अल्टरनेट एनर्जी 7.47, बाइको पेट्रोलियम 7.25, अटक रिफाइनरी 7.07% डाउन थी, ICIBL 6.61 और नेशनल रिफाइनरी भी 6.2% जो है वो डाउनसाइड पे दी। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो इंटरलूप का रिजल्ट है, एनुअल रिजल्ट है इनका सुबह 9 बजे। उसके बाद हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 16 सितंबर को 11 बजे है, निषाद पावर का एनुअल रिजल्ट 16 सितंबर को 11:30 बजे, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे 16 को, ट्रस्ट मुदारबा का भी 16 को एनुअल रिजल्ट है 11:30 बजे, पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 9:30 बजे, बोलान कास्टिंग लिमिटेड एनुअल रिजल्ट इसका 17 सितंबर को सुबह 10 बजे है, मरी ब्रेवरे कंपनी का भी एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 10 बजे, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 11 बजे अनाउंस करने जा रही है, गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 17 सितंबर को 11:30 बजे, इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 11:30 बजे, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी अपना एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 11:30 बजे अनाउंस करेगी, मिल्लत ट्रैक्टर अपना एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 12 बजे, और ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड जो है वो उसका भी एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को 2:30 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड और पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड, इनका आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का, कल जो है ये एक्सो के ओपन होंगे, दोनों ही शरिया कंप्लायंट थे। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड ने 1.5 रुपए का डिविडेंड और 15% के बोनस शेयर दिए थे, जबकि पाकिस्तान केबल्स का 8 रुपए का डिविडेंड था। नेक्स्ट जो डिविडेंड अवेलेबल है वो कल जिसकी आखिरी दिन है अवेल करने का, वो आरएफ हबीब लिमिटेड का 10 रुपए का डिविडेंड और 10% ही बोनस शेयर्स हैं, जबकि कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड का 5.25 रुपए का डिविडेंड है, दोनों जो है वो 16 को एक्सो रहे हैं, दोनों ही नॉन श्री हैं। गदून टेक्सटाइल मिल्स का 12 रुपए का डिविडेंड है, 17 सितंबर एक्स डेट है, नॉन श्री है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 6.50 रुपए का डिविडेंड है, 17 सितंबर इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लायंट है, जबकि इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का 7 रुपए का डिविडेंड है, 17 सितंबर एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लायंट है। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड का 9 रुपए का डिविडेंड है, 17 सितंबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लायंट है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का 2.60 रुपए का डिविडेंड है, 20 सितंबर को जो है ये एक्स हो रहा है, नॉन शरिया है, जबकि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का 1 रुपए का डिविडेंड है, इसने भी 20 सितंबर को एक्स हो जाना है, शरिया की बात करें तो ये कंप्लायंट है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो शेयर आपके पास होना चाहिए। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड जो है आज एक्सो के ओपन हुए थे, अटक पेट्रोलियम ने 24.50 रुपए जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 30 रुपए का डिविडेंड दिया था, दोनों ही शरिया कंप्लायंट थे। रिजल्ट्स जो है वो आज 2 ही अनाउंस हुए, तो डीजी खान सीमेंट ने जो है वो अपना फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया आज, फोर्थ क्वार्टर में 1.99 रुपए की ईपीएस रिपोर्ट की है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 71 पैसे का लॉस था, तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस बनी है वो 8.49 रुपए पर शेयर है, लास्ट ईयर इनका जो है वो लॉस चल रहा था 4.93 रुपए, पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपया पर शेयर। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया, फोर्थ क्वार्टर में 1.42 रुपए की ईपीएस शो की है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 1.18 रुपए का लॉस था, तो ओवरऑल इनकी जो फुल ईयर की ईपीएस आई है वो 6.45 रुपए आई है, लास्ट ईयर इनकी 42 पैसे की ईपीएस थी, पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया।